हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्मार्ट वॉच में कैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस गेट करोगे। तो आपकी कोई भी स्मार्ट वॉच आप व्हाट्सएप के मैसेजेस गेट कर सकते हो। प्रोसीजर सबका सेम ही होता है, मैं आपको बस स्टेप्स बता देता हूँ कि आपको व्हाट्सएप कैसे गेट करना है। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में यहाँ लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन कर देना है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर से अपनी स्मार्ट वॉच का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। तो गाइज, आपकी कोई भी स्मार्ट वॉच हो आप गेट कर सकते हो, चाहे वो नॉइस हो, बोट हो, फायर बोल्ट हो, या कोई भी स्मार्ट वॉच हो, या सीरीज 8, सीरीज 9 हो, आप व्हाट्सएप गेट कर सकते हो। तो आपको बस प्ले स्टोर पर जाके इसका ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने अपनी वॉच का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लिया है, जिसका नाम है डेली फिट ऐप। तो ये इस वॉच का ऐप है, आपको अपनी वॉच का ऐप डाउनलोड करना है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करना है। और यहाँ आपको जब आप वॉच को फाइंड करोगे तो इसको आपको अलाउ कर देना है ताकि वॉच फाइंड हो सके। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद आपको डिवाइस में जाना है ऐप से कनेक्ट करने के लिए। तो आप डिवाइस में चले जाना और यहाँ ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है। कोई भी ऐप हो, ये ऑप्शन ज़रूर पूछता है कि लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वॉच को कनेक्ट करूँगा। तो आप देखोगे तो यहाँ वॉच फाइंड होगी, तो आप देख सकते हो वॉच फाइंड हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, अब ये कनेक्ट हो रही है। तो गाइज, अब वॉच जो है वो ऐप से कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको एक और चीज़ चेक करनी है। आपको जाना है, बैक कर लेता हूँ, और आपको यहाँ से जाना है ब्लूटूथ में। और अब आप देखोगे तो यहाँ डेली फिट ऐप से वॉच कनेक्ट हो चुकी है। तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि वॉच जो है वो उसके ऑफिशियल ऐप से कनेक्ट होनी चाहिए। वॉच का आपकी जो भी नाम है वो फ़ोन से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि ये वॉच का नाम फायर बोल्ट है एग्जाम्पल, तो ब्लूटूथ में भी वो फायर बोल्ट से कनेक्ट होनी चाहिए, तो ही व्हाट्सएप के मैसेजेस गेट कर पाओगे। तो वॉच पूरी तरीके से कनेक्ट होने के बाद आपको बस वॉच को एक बार फाइंड करना है। वॉच फाइंड हो चुकी है, इसका मतलब वॉच पूरी तरीके से कनेक्टेड है। अभी आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स या फिर ऐप पुश ऐसा एक फीचर दिखेगा, तो आपको उस फीचर में जाना है। इस ऐप में उसका नाम ऐप पुश है। आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पुश या कोई भी नाम से फीचर हो सकता है। उसके बाद यहाँ आप कोई भी ऐप की नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। और यहाँ से मैं व्हाट्सअप ऑन कर देता हूँ। अब व्हाट्सअप ऑन करने के बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब आपकी फ़ोन की सेटिंग्स खुल जाएगी, जिसका नाम है नोटिफिकेशन एक्सेस। नोटिफिकेशन एक्सेस में जाने के बाद आपको यहाँ जो भी ऐप में आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो मैं डेली फिट ऐप को ऑन कर देता हूँ। अब मैं वापस बैक कर दूंगा ऐप को। अब मैं दूसरे फ़ोन से व्हाट्सअप पे मैसेज सेंड करूँगा और आप देखना वॉच में आएगा। देख सकते हो कि मैंने यहाँ से हेलो मैसेज सेंड किया है। तो यहाँ मैंने हेलो मैसेज सेंड किया है, तो आप देखोगे तो वॉच में हेलो मैसेज आ चुका है। तो अब मैं थोड़ा लॉन्ग मैसेज सेंड करूँगा, तो आप देख सकते हो कि फ़ोन में भी मैसेज आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है। इसमें ये भी लिख के आता है कितने मैसेज आए हैं, और मैसेज भी लिख के आता है कि कौन सा मैसेज आया है। तो आप देख सकते हो कि वॉच में अब आपको मैसेज दिख रहा है। तो आप ऐसी कोई भी मैसेज वॉच में गेट कर सकते हो आपकी कोई भी वॉचों पर। अब मैं यहाँ से अगर सपोज कोई एक फ़ोन के थ्रू कोई एक एमोजी सेंड की, जैसे कि मैंने ये वाली एमोजी सेंड की है, तो फ़ोन में एमोजी आएगी पर वॉच में आपको कोई भी एमोजी शो नहीं होती है। वॉच में सिर्फ डैश बन के आता है। तो अगर आपको एमोजी चाहिए तो वो सिर्फ एंड्रॉयड वॉचेस में ही शो होती है, और नॉर्मल स्मार्ट वॉच में सिर्फ रेडमी की वॉच में ही नोटिफिकेशन शो होती है, बाकी और कोई भी वॉच में नहीं होती है। तो गाइज, ये थे पूरे फीचर कि आप अपने वॉच में व्हाट्सएप कैसे गेट करोगे। तो गाइज, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपके वॉच में डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन हो ही जाएगा। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।